हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का लास्ट टॉपिक जो है हमारे पास, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो चलते हैं बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारे टॉपिक की तरफ, जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। दैट मीन्स किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ जाए एंड हाइड्रोजन क्या होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या होगा इसमें? ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब हम बात कर लेते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होता है? देखो, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। दैट मीन्स क्या होता है इसमें? ये ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है बच्चों। क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन जुड़ते हैं और ऑक्सीजन रिमूव होते हैं, ठीक है। उसमें क्या था ऑक्सीडेशन में? हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन जुड़ते हैं और हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होते हैं। दैट मीन्स रिडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, जैसे मैंने लिखा हुआ है 2Cu+O2, ठीक है, रिएक्टेंट दैट इज प्रोडक्ट 2CuO। ये Cu से, ठीक है, ये जब आएगा 2CuO बना, तो दैट इज अ ऑक्सीडेशन, डन। एंड इस एग्जाम्पल में देखो क्या हो रहा है इसमें, जब Cu से, ठीक है, CuO से Cu जाएगा, यहाँ पे रिमूवल हो गया, ठीक है, O यहाँ से हट गया, दैट मीन्स इट्स अ रिडक्शन, डन। और इसमें देखो H2 से H2O जुड़ गया, ठीक है, इसमें क्या हो गया? H2 में H2O जुड़ गया, तो दैट इज अ ऑक्सीडेशन, डन। अब सम एग्जाम्पल्स देकर समझा देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो क्या हो रहा है, इन दिस रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, टू CO एंड ZnO इज रिड्यूस्ड टू Zn। दैट मींस क्या हुआ इसमें? देखो ZnO है, ठीक है, Zn से जब जुड़ेगा दैट इज अ रिडक्शन, ठीक है, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन, डन। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अबव एग्जांपल वी कैन से दैट इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड, एंड इफ अ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज रिड्यूस्ड। दैट मीन्स देखो, और इनसे क्या बनता है, जब हमारे पास कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन और रिडक्शन दोनों ही हो रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। मतलब हमारे पास रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो क्या होता है? देखो, कोरोजन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ सरफेस ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और सम केमिकल। ग्रेजुअल डिग्रेडेशन मीन्स, दैट मीन्स क्या होता है, मतलब धीरे धीरे जब किसी भी मेटल का जो सरफेस है वो खराब हो जाता है, सो हम क्या कहते हैं उसे, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल। सो वी कैन से दैट कि जो भी मेटल है जिसका सरफेस खराब हो गया है, इट हैज़ बीन कोरोडेड, ठीक है, एंड जो कोरोजन है, ठीक है, मतलब जो कोरोजन है वो एयर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से भी हो सकता है। सबसे बड़ा एग्जांपल होता है इसका कि जो भी है वो ब्राउन हो जाती है, जब आयरन नेल होती है, एग्जांपल के लिए ले हम, तो वो क्या होती है, ब्राउन हो जाती है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। दैट मीन्स क्या होता है, देखो कि इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज सेट टू कोरोडेड एंड दस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, जब मॉइस्चर से होगी, एयर से होगी, एंड द ब्लैक कॉटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कॉटिंग ऑफ कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, डैमेज ऑफ कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग्स, ठीक है, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स, ठीक है, डन। ये तो था हमारा कोरोजन क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। देखो, रेंसिडिटी होती है द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ अराइल
ऑक्सीजन ऑन फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल बाय प्रोड्यूसिंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। दैट मीन्स क्या होता है, मान लो कि अब हमारे पास ऑयलिंग कंटेन फूड मटेरियल लेफ्ट है, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। दैट मीन्स व्हेन फैट्स एंड ऑक्सीजन आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। डन, यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है, एंटी ऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल कीपिंग फूड। चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लैश बैग, ठीक है, मान लो कि हमने एक इट्स अ स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, ठीक है, एक कंटेनर में रख देते हैं, तो क्या होता है, हम चिप्स के पैकेट्स रखते हैं ना, चिप्स में होते हैं, जो चिप्स के पैकेट्स में होते हैं, दैट इज रेंसिडिटी। मतलब आपको पता होगा दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लैश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन सो प्रिवेंट्स द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो डन, ये थे बच्चों हमारी आज का लास्ट टॉपिक जो था हमारा केमिकल रिएक्शन, जो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी। बच्चों कोई भी इफेक्ट है, कोई भी डाउट है, वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।